सो हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र की 143 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आएं, आपको एक पी एक्सल ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पी एक्सल डाउनलोड कर लें या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने पी एक्सल ओपन करें, थ्री डी पर क्लिक करें, आपने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको आना है इमेज साइज पर, इमेज साइज पर क्लिक करें, कस्टम में आए, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कस्टम, आपको थंबनेल बनाना है तो आप थंबनेल पर क्लिक करें, आप चाहते हैं यूट्यूब बैनर बनाना तो यूट्यूब बैनर भी बना सकते हैं, फेसबुक कवर बनाना चाहते हैं तो फेसबुक कवर बना सकते हैं। तो आपको बनाना है थंबनेल तो थंबनेल पर क्लिक करें, ओके कर दें। आपका थंबनेल साइज आ गया। अब चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, क्लिक करें, कलर पर आए, वो जो कलर करना है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो मैं वाइट ही रहने देता हूँ। आपको कुछ थंबनेल पर कुछ लिखना है तो ए पर क्लिक करें, तो ए पर क्लिक करें, आपको थंबनेल पर जो चीज़ लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए थंबनेल कैसे बनाते हैं, ओके कर दें। अब चाहते हैं कि फॉन्ट चेंज करना तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, तो फॉन्ट पर आएं, अगर बहुत सारे यहाँ फॉन्ट मिल जाएंगे तो आपको जो आपको करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिलहाल एक ही ऑप्शन कर लेता हूँ, ओके कर दे। आपका ये फॉन्ट चेंज हो गया। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड चेंज करना तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, तो अपने बैकग्राउंड पर ऑप्शन पर स्टिक को अनलेबल कर दें, अब वो जो कलर का करना है इस तरह से आप कर सकते हैं। कलर चेंज कर दे फॉन्ट का, वाइट बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब चाहते हैं कि बैकग्राउंड का और साइज बढ़ाने के लिए तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। अब चाहते हैं फॉन्ट का साइज बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं इस तरह, साइज बढ़ाएं और आपको जितना साइज रखनी है वो रख सकते हैं। आपको थंबनेल पे अपने फ़ोटो लगाना है तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको
इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इंपोर्ट पर आए, अपने गैलरी पर आ जाए। आपको जो फोटो डाउनलोड करें वो फोटो पर सेलेक्ट कर लें। ये फोटो सेलेक्ट करता हूँ, आपको जितनी साइज रखनी है फोटो को सेलेक्ट कर लें। इधर से आप लिख सकते हैं, और लिखना है तो आप फिनिश टच करें, आपको जो चीज़ लिखना है उस तरह से लिख दें और ओके कर दें। साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बढ़ा सकते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल करना है तो फॉन्ट स्टाइल कर सकते हैं, तो वी ऑप्शन पर आए, कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए कलर पर आए, आपको स्ट्रोक मारना है तो आप स्ट्रोक भी मार सकते हैं, तो अपने स्ट्रोक वाला ऑप्शन पर आए, इधर से कर सकते हैं, स्टॉक की साइज़ ही बढ़ा सकते हैं, इस तरह से आपको जितना आपको रखना है इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। नमस्कार, अभी तक हमारे YouTube चैनल जितेंद्र के 143 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूले। धन्यवाद।